हम पत्रकार हैं, हम सवाल बोलने में डर लगता है। वो तो 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, खाली नाम कर रहे हैं। वो बिहार मुख्यमंत्री रहे, वो अच्छी थे तो 1974 में हमारे बैच में थे वो। क्या उन्होंने क्या बिगाड़ा है? वो तो और बदतर है। राबड़ी देवी कौन चीज है? क्या बोले, हम शब्द निकालेंगे तो आपको अखाड़ लगेगा। कौन है सबसे बड़ा बॉस? महिला रहने से क्या होगा? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अर्चना रविदास हैं आरजेडी की तरफ से। वो तो और बेकार है। क्यों? वो तो सबसे खत्म है। क्या उन्होंने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ने से मतलब नहीं, बनाने से मतलब है। उनके पास विजन नहीं है, उनके पास विजन नहीं, कुछ नहीं है। उसको तो और उसको ही बदतर है। वो तो और बदतर है। क्या वो तो और भी बेकार है। क्या बोले, हम शब्द निकालेंगे तो आपको अखाड़ लगेगा। वो गुंडा एलिमेंट्स का है, बस ये सोच लीजिए। वो तो महिला है। महिला रहने से क्या होगा? गुंडा एलिमेंट से महिला नहीं है। राबड़ी देवी कौन चीज है? महिला है कि नहीं? महिला तो है। गुंडा का सरदार है वो। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। भैया आप लीजिए, आरोप है सच्चाई। मतलब कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं उनको, इसलिए ये बातें कह रहे हैं ना। तो और क्या, ऐसे थोड़े बोलता। और प्रधानमंत्री मोदी उसके हस्बैंड को 1974 जानते हैं? अर्चना रविदास के? अर्चना रविदास के नहीं, अर्चना रविदास के बॉस के बॉस के बॉस। कौन है सबसे बड़ा बॉस? कौन है बताइए आप। लालू यादव। हाँ सर, 1974 में हमारे बैच में थे वो। हम लोग यहाँ जम्मू सब डिवीजन में थे, वो थे पटना में थे। तो वहाँ पर बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के वो प्रेसिडेंट बन गए। यहाँ जो था वो भी कोई प्रेसिडेंट कोई सेक्रेटरी बना। 1974 हमने फाइनल के स्टूडेंट थे। 15 साल तक वो तो 15 साल तक जो है पैदाश के बहुत पहले की बात है। वो तो 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, खाली नाम कर रहे। वो बिहार मुख्यमंत्री रहे, वो अच्छी थे। रॉन्ग एलिमेंट से 15 सालों बिहार का विकास हुआ कि नहीं? तो विकास क्या करेंगे, सुभाष किए और विनाश किए, ठीक है बोलते हैं। तो नीचे लेके चले गए। क्या बिगाड़ा उन्होंने, क्या किया बिगाड़ा? आपको भी पता होगा, आप नहीं जानते, नहीं बोलना चाहते। हम बोलना चाहते हम क्या बोलेंगे? जब आपने बोला था हम क्यों बोलेंगे? हम तो पत्रकार हैं, हम पत्रकार हम सवाल पूछ। डर लगता है उसके खिलाफ में? हम पत्रकार हैं, हम सवाल बोलने में डर लगता है? नहीं लगता डर आपको? आपको डर लगता है? हम तो जितना बोल दिया ऐसा भी आप नहीं बोलिएगा, नहीं कोई बोलेगा। उसको हम जानते हैं 1974 में उसका मैंने पॉलिटिकल बर्थ कैसे थे। वो थे मैंने उसमें ठीक थे, मैंने जयप्रकाश नारायण के अतिथि थे वो। बीच में क्या बदलाव आ गया? बीच में सब खाली लूटपाट और क्या होगा। तो बिहार में रोजगार नहीं रहने का कारण क्या हो सकता है? रोजगार नहीं रहना वो तो देखिए दूसरा चीज़ है भैया। ये तो रोजगार को अच्छी कर दिए सबको। रोजगार क्या हुआ, मैंने रॉन्ग रोजगार देने लगे। कौन जो उनका था सब वो जो किए अपने परिवार के लिए किए। और कौन कौन सा रोजगार उन्होंने दिया बिहार? किसी को नहीं, कुछ नहीं दिया। रोजगार देगा तो प्रधानमंत्री मोदी। सुनिए, रोजगार देते हैं तो अपना बेटी सब खड़ा करते हो। जिसको किसी को डॉक्टर टाटा में डॉक्टर बना है, टाटा के अच्छी से किसी को कुछ बनाए, किसी को कहाँ है रोजगार है। प्रधानमंत्री मोदी से कितने संतुष्ट हैं आप? 99% कुछ काम कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन वही है अरुण भारती जी, रॉन्ग यहाँ पर हो गया। ये डिसीजन का रॉन्ग है, ये डिसीजन रॉन्ग है इनका। जम्मू से अरुण भारती खड़ा करना सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन है। अच्छा दादा, उनका डिसीजन क्या रॉन्ग बताते हैं आपको? आप जब जान रहे हैं कि जम्मू जो है चिराग पासवान का है, तो आप 5 सीट दे करके और उसको हाजीपुर में खड़ा करके जम्मू उसको जो दे रहे हैं आप 5 सीट में, उसको क्या करोगे? दुरुपयोग नहीं कर रहा है उसका? ऐसा नहीं बात है, इतनी गलती उनका है, अदरवाइज नथिंग। राहुल गांधी से के बारे में क्या है? उसको तो आदमी भी गिनती नहीं हो। राहुल गांधी का आदमी भी गिनती नहीं ना? क्यों, तो सोचिए कहा है? प्रधानमंत्री के लिए अभी तक शादी नहीं किया। प्रधानमंत्री बने तक उन्होंने शादी नहीं किया, सोचिए आदमी गिनती में है।